नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल एडसेंस अप्रूवल कितने टाइम में मिल जाता है। दोस्तों जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो उस समय आपका प्राइमरी गोल जो बहुत सारे ब्लॉगर का होता है वो होता है गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेना। तो बहुत सारे आप जब यूट्यूब का वीडियो देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि एक दिन में उन्होंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया। किसी कोई कोई बताते हैं कि 6-6 महीने से उनको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो क्या स्टोरी है, कैसे ये डिटरमाइंड होता है कि कितना टाइम किस ब्लॉगर को लगेगा, क्यों कई ब्लॉगर का जो ब्लॉग होता है बहुत जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे होते हैं जिनको एडसेंस अप्रूवल 10 से 15 अटेम्प्ट में भी नहीं मिलता है, तो वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले, दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, जेन्यून और जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो भी लोग अगर आप ब्लॉग सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में मैं अपना नंबर दे दूंगा। दोस्तों जो गूगल एडसेंस है, जब आप ब्लॉग लिखते हो उसके बाद आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो उसके आगे का जो प्रक्रिया है उसको अगर आप समझ लोगे तो आपको लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये समझना कि ब्लॉग में अप्रूवल कैसे मिलता है। जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आप ब्लॉग पोस्ट पे कुछ लिखे होते हो और उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हो। उसके बाद जो गूगल एडसेंस का जो टीम है, गूगल की जो टीम है जो क्राउलर कहलाती है, वो क्राउलर आपके ब्लॉग को समझता है कि आपने ब्लॉग कैसा लिखा है, किस स्ट्रक्चर में लिखा है, आपके ब्लॉग पे कंटेंट कैसा है, आपका जो ब्लॉग है कितने रेगुलर वे में आप अपने ब्लॉग पे अपडेट कर रहे हो, आपका जो ब्लॉग पे जो कंटेंट है वो बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल यूनिक है, ये सारा कुछ चेक करता है आपका गूगल का जो क्राउलर है सो, और उसके बाद वो डिसीजन लेता है। तो ये जो पूरा पूरी ये मशीनी रूप से नहीं होता है, जो आप अगर सोचोगे कि आपने कुछ भी लिख दिया और गूगल उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। गूगल जो है उसको पूरा मैनुअल इंटरवेंशन के साथ उसको चेक करता है। मैनुअल चेक करने का मतलब है कि वो उसके अंदर का फीलिंग समझता है कि आप ब्लॉग पोस्ट किसी दिन डाल रहे हो, उसके 15 दिन तक नहीं डाल रहे हो, फिर उसके 2 दिन बाद आपने ब्लॉग पोस्ट पे 4 पोस्ट कर दिया, तो इससे समझ में आता है कि आप अपने ब्लॉग को कितने इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो। तो ये सारा कुछ मैटर फैक्टर उसमें काम करता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों में जो गूगल एडसेंस अप्रूवल है उसमें कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि वर्डप्रेस जो है, अगर आप उसमें अगर आप अपने ब्लॉग को अगर आपने होस्ट किया है वर्डप्रेस के थ्रू, तो आपको कम से कम आपका डोमेन 6 महीना पुराना होना चाहिए। अगर 6 महीना से कम पुराना है तो आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल आप कितने भी अच्छे से लिख लो आपका काम नहीं करेगा। उसके अलावा अगर आपका ब्लॉगर पे है तो ब्लॉगर पे आपको टाइम उस डोमेन का जो एज है उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपका कंटेंट पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कोई न्यूज ब्लॉग चलाते हैं तो उस पर आप एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 पोस्ट करते हो, तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि आपका ब्लॉग पोस्ट बहुत ही रेगुलर ब्लॉग पोस्ट है और उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, एक्टिव माना जाता है, और गूगल जो होता है उसको प्रेफरेंस देती है। तो जो लोग बोलते हैं मुझे 10 से 15 दिन में गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल गया है, वो बेसिकली करते क्या है, उनका पोस्ट बिल्कुल यूनिक होता है और वो एक दिन में 3-4 पोस्ट डेली का रेगुलर वे में करते हैं और बिना किसी रुके हुए टाइम पे करते हैं। जैसे उनको अगर सुबह 7 बजे से 8 बजे 9 बजे तक एक पोस्ट कर देना था तो उन्होंने किया, उन्होंने 12 बजे तक 2 पोस्ट करना था उन्होंने किया, शाम तक उन्होंने 3 पोस्ट करना था कर दिया, रात को उन्होंने 1 पोस्ट करना था उन्होंने कर दिया, 4 पोस्ट उन्होंने कर दिया, फिर सुबह नेक्स्ट सुबह उन्होंने चालू किया, 15 दिन उन्होंने कंटिन्यू ऐसा किया, उसके बाद गूगल एडसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया और इस प्रक्रिया को वो छोड़े नहीं। जब गूगल एडसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया उसको रेगुलर रखा, जिससे गूगल को जो मैनुअल उसको जो चेक करने वाला है उसको लगा कि इसने सिर्फ गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए मेहनत नहीं किया है और ये रेगुलर काम करता जा रहा है, तो उसको प्रेफरेंस दे करके गूगल एक अटेम्प्ट में ही उसको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। अगर अब थोड़ा बहुत उसमें अगर डुप्लीकेसी भी होता है ना उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब होता है वो पोस्ट जो दिन में डेली का 1 पोस्ट आप कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, उसमें भी आपको 1 हफ्ते में आपको 15 दिन में आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन आपका कंटेंट का लेंथ बड़ा होना चाहिए। आप ऐसे समझिए कि आपके
घर में जब तक कोई भारी सामान नहीं रहेगा तब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। भारी सामान आपको एक दिन में चार पोस्ट लिखिए या आपको चार पोस्ट दो पोस्ट के बराबर का एक ही पोस्ट आप पोस्ट कर दीजिए तो आपका जो कंटेंट है 15 दिन में एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। जो क्योंकि आप रेगुलर पोस्ट कर रहे हो और आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा है तो आपको एडसेंस का जो अप्रूवल है वो मिलने में आसानी हो जाएगा। उस केस में भी आपको 15 से 1 महीने के अंदर आप अगर एडसेंस अप्रूवल करते हैं 1 से 2 अटेम्प्ट में आपको एडसेंस अप्रूवल डेफिनेटली मिल जाएगा। तीसरे प्रॉब्लम उनके साथ आती है जो 3 से 4 दिन में एक पोस्ट करते हैं, फिर 4 दिन वेट किया, फिर दूसरे दिन एक पोस्ट किया। उस केस में देखिए एडसेंस अप्रूवल उनको भी मिलता है लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको जो गूगल है वो बार बार उनको वार्निंग देता है कि भाई आप अपना पोस्ट को सुधार लो, थोड़ा बहुत चेंज कर लो। और उसको चेंज करने का मतलब है कि आप तरीका चेंज कर लो। आप जो पोस्ट कर रहे हो, आप एक दिन में एक पोस्ट कर रहे हो, फिर 4 दिन वेट कर रहे हो, फिर 4थे दिन आप 2 पोस्ट कर दे रहे हो, फिर वेट कर रहे हो, फिर 15 दिन आप 3 पोस्ट कर दे रहे हो, तो ये इससे वो गूगल जो है वो कम से कम वीकली अगर चेक कर रहा है तो किसी किसी वीक में 1 पोस्ट है, किसी किसी वीक में 4 पोस्ट है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि इसका आगे का क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका आगे काम करने का क्या तरीका हो सकता है। तो इस केस में गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलने का एक ही तरीका है कि आप जब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए उस समय कम से कम 2 पोस्ट रेगुलर डालिए और कंटिन्यूसली टाइम पे डालिए और 1 दिन बिना स्किप किए डालिए। जब एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाए उसके बाद आप कैसे भी कंटेंट डालते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे भी मतलब कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए लेकिन आपका कंटेंट का गैप भी अगर हो जाता है तो आपका गूगल एडसेंस उसके लिए रिजेक्ट नहीं करता है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आपका मोटिव एडसेंस अप्रूवल है तो आप ब्लॉगर में होस्ट कीजिए और आप अपने पोस्ट को जिस समय पोस्ट करते हैं उसी समय पोस्ट कीजिए और एक वे में पोस्ट कीजिए, एक स्ट्रक्चर में अपने ब्लॉग को क्रिएट कीजिए। बहुत सारा फैक्टर एडसेंस अप्रूवल के लिए काम करता है। मैंने आपको एक हिंट्स दिया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और कुछ कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप ब्लॉग सीखना चाहते हैं दोस्तों तो नीचे नोटिफिकेशन में मैंने अपना नंबर दिया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई रियली अप्रिसिएट योर टाइम, थैंक यू, धन्यवाद।